ได้อไงअच्छा हाँ बोलती रहो। अब तो सात दफा वीडियो बन चुकी है, जो मर्जी पर। हाँ अच्छा वो गिलगित जाने का तय हुआ था तो मामू ने कहा तुम लोग आ जाओ तो हम लोग चले गए पेशावर। अच्छा वहाँ पे जाके और मतलब मुझे बार बार याद आ रहा है पता नहीं क्यों, सिमिलैरिटी कहाँ है मुझे नहीं पता। तो जिस दिन जाना था जिस दिन का टिकट था हम लोग गए और बैठ गए प्लेन में भी बैठ गए बैठे 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 हैं क्यों नहीं उड़ रहा है पता नहीं क्या हुआ, 10 मसले हो जाते हैं लिहाजा वो बंदा इतना परवाह नहीं कर रहा होता। तो गिलगित के तो वैसे भी गिलगित की फ्लाइट्स में ये होता है कि मौसम जो है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो उन्होंने हमें रिफ्रेशमेंट्स दिए और काफ़ी देर बिठाया और फिर कहते हैं जी आज तो मौसम ख़राब है तो आप उतर जाएं कल जाएं। फिर वो हम दिल ही ख़राब हो गया, हम लोग वापस आ गए इस्लामाबाद, नहीं मूड बना जाने का ना। तो पता नहीं ये बात क्यों याद आ रही है लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि आप बैठ जाएं जहाज़ में रिफ्रेशमेंट ले लें और मतलब बहुत कुछ हो जाता है दुनिया में। पता नहीं मुझे क्यों याद आ रहा था, आई डोंट नो, मुझे बार बार याद आ रही है इस चीज़ हाँ को। इसकी कोई ख़ास वजह भी नहीं, मतलब तो मुझे कोई ख़ास अफसोस भी नहीं हुआ और बस ठीक है, एक चीज़ हमने करना जहाँ नहीं हुआ हमने ट्राई किया। तो आई डोंट नो, मे बी मैं डॉमिन की तकलीफ देख देख के थक गई हूँ। वो जब तुम उसके कान साफ कर रही होती हो तो वो इतनी तकलीफ में होता है, वो जिस तरह मुझे देख रहा होता है मेरा दिल चाह रहा हाँ होता है मैं उसे लेके भाग जाऊँ ना, लेकिन मुझे पता होता है कि वो उसी के कान की तकलीफ है तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं तो खुद का दिल नहीं चाहता, और वो लेकिन कितने भरोसे से कितना पास आके गोद में बैठता था, वो डरने लगा है ना, वो अभी भी बैठता बेचारा तो सीख रहा था कि डरा जैसे होता तो है। नहीं पकड़ी, हाँ लेकिन मुझे उसका करना पड़ता है कि मुझे उसका कान नजर रहता है उसका। हाँ कितनी अजीब बात है, और काफी दिन हो गए काफी महीने हो गए। अगर शुरू में इस बंदे ने बात सुन ली होती, देखो ना तंग करने के सारे तरीके हैं, तो एक तरीके से तो तंग नहीं किया जा रहा, बेसाइड तो नहीं पता चल रहा, लेकिन वैसे हम कितना ज्यादा तंग हैं। यानी अब बिल्ली को डॉक्टर के पास ले जाना भी कोई बात है, यानी मैं तो कभी डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ ना, मैं तो मतलब आपसे सही रही हूँ तो इसलिए तो वो तो हॉस्पिटल जाना ही था, लेकिन उसके बाद तो मैं नहीं गई। अगर अब ये तो जानदार है, अगर आप इसे रख रहे हैं तो आपको उसके हकूक तो पूरे करने हैं। जैसे इसलिए मैंने पेपे जब ये मरना शुरू हुए थे यहाँ पे इस घर में, जैसे पौधे खराब हुए थे, अब जब बाहर जाना छोड़ बाहर क्योंकि गैलरी में निकलो तो डायरेक्ट ऊपर से आप नजर आओगे, तो मैं बाहर निकलना छोड़ा था, या परिंदों का सारा मतलब परिंदों के लिए मुझे कितने ऑकवर्ड टाइमिंग में जाना पड़ता है कि मैं फजर में जाती हूँ या 3 बजे के बाद जाती हूँ या रात में। तो अब ज़ाहिर पिंजरा साफ करेंगे तो फिर आप खुद भी हशर हो जाता है आपका। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पौधे सारे ख़राब हो गए हैं। अब बिल्लियों के लिए सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है क्योंकि ये बहुत तकलीफ़ दह चीज़ है। आप किसी भी जानदार को जो पालते हैं तो फिर आप उसके ज़िम्मेदार होते हैं। मैंने जब आपसे कहा था हम पेपे किसी को दे देते हैं तो इसलिए कहा था कि अगर हम उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, जैसे पिछले जितने भी घर थे वहाँ कहीं ना कहीं वो पिंजरा बिल्कुल मेरे करीब होता था, मैं किचन में गई हुई हूँ तो 10 काम आप कर रहे होते हैं ना, आप उनको कुछ ग्रीन्स डाल सकते हैं, आप उनको कभी राइस डाल देते हैं, कभी कोई भी जो केक है याद है कुछ भी डालती रहती है, आप बार बार उनका पानी बदल सकते हैं गर्मी में, फिर उनको भी तो फैन की जरूरत होती है, वो ये बाहर इस तरह पड़े रहने वाले तो नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा था। और अब जैसे ये बिल्ली है इसके कान हम तो नहीं ठीक कर सकते, हमने हमें से तो कोई भी वेट नहीं है ना, हम तो उसको ठीक नहीं कर सकते, मतलब ये कोई फजूल हरकत नहीं है बिल्ली को डॉक्टर के पास लेके जाना या बिल्ली का ख्याल। जब आप जानदार पालते हैं तो आप उसके जिम्मेदार होते हैं और गुनाह भी ज़रूर मिलता होगा, जब आप उसका ख्याल नहीं कर पाएंगे तो आपने क्यों ऐसी जिम्मेदारी ली जो आप पूरी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला तो कभी नहीं करता, इस्लाम तो सबसे ज़्यादा इंसाफ का मजहब है। फिर आप कहती हो कि मैं रिलीजन की बात करती हूँ, मैं रिलीजन की बात नहीं करती, वो इंसाफ का मजहब है और हम लोग बेइंसाफ हैं, हम लोग जगह जगह बेइंसाफी करते हैं सुबह से शाम तक हर जगह। जब कोई लाइन तोड़ता है, जब कोई किसी को धक्का दे के आगे निकल जाता है, जब कोई किसी को गिरा के आगे निकल जाता है, जब कोई किसी के हिस्से का एक लुकमा खा लेता है तो सारी बेइंसाफी है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में सबकी ज़रूरतों के लिए सब कुछ ना हो, हमारे घर कोई एक आम सा मेहमान आ रहा हो तो हम उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें पूरी करने की कोशिश करते हैं, हालांकि हम उसके ना मालिक होते हैं ना कुछ, सिर्फ होस्ट होते हैं। तो जिसने दुनिया में भेजा उसने सारी ज़रूरतों के साथ भेजा है और मतलब ज़रूरतें पूरी करने के इसबाब के साथ।
हम लोगों को सियासत से फुर्सत नहीं है। अच्छा, सियासत से हटते हैं तो क्रिकेट, क्रिकेट से हटते हैं तो सियासत। मुझे लगता है पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय सियासत और क्रिकेट के, है ना? तरक्की तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर आप देखें, गेम्स में भी देख लें और चीज़ों में भी देख लें, तो दूसरे लोग तरक्की कह रहे हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री में जब पढ़ा था, तो मैंने ये पढ़ा था कि मुसलमानों को किस तरह पीछे किया जा रहा था ना, कि मुख्तलिफ ऐसी कोई, वो जैसे छेड़ उठाना कहते हैं, उस तरह की कोई चीज़ कर दी जाती थी जिससे वो पढ़ ना सकें, एजुकेशन ना हासिल कर सकें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना कर सकें, और वो पीछे रहते चले जाएं। तो अभी आपस में मुसलमानों को लड़वाते रहो और कुछ नहीं, तो उनके फ़िरकों के लिए तासुब फैलाते रहो, है ना? हमारे यहाँ जैसे फैलाते रहते हैं, मतलब आप उनको किसी ना किसी तरह ऐसे किसी खेल में उलझाए रखें जिससे वो आगे लोगों ना को तो बढ़ लग सकें। रहे हैं ना, बताओ बताओ नवाजी के किसी क्यों हो रहे, सारे किसी क्यों हो रहे, क्या हो रहा मुझे नहीं, लालच, है, इमरान खान का, फलाने लालच, का, कहीं बंदे इकतदार का का। लालच, कहीं दौलत का हाँ, लालच, ये सारा कुछ ही है। और हर वक्त जब बंदा इंटरनेट खोले, यूट्यूब इंटरनेट, याद है पहले तो खोला था, ऐसा कुछ नहीं था कि ट्रांस हो गई कुछ नहीं, भी, ये कितनी अजीब लेकिन बात है। बंदा पागल सा रहता कि ये क्या हो मेरी रहा बात है। सुनो, हम आम से लोग हैं, हम बिल्कुल आम लोग हैं। हम कभी कोई कोई भी इंडियन होगा, हम जाहिर है हमारे वो कोई दुश्मन नहीं है, वो एक हाँ दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, एक ज़मीन के ऊपर हम लोग रह रहे हैं, हाँ सब एक दूसरे के हमसाए हैं। अगर आप हमसाए के क्यों सोचते हैं, तो पूरी हाँ दुनिया में सब लोग, जो चाहे जानवर है चाहे इंसान है, वो आपके हाँ हमसाए हैं। तो ऑन द ब्रॉड वे आपको एक थोड़ा सा अपने जहन को वसी करना पड़ता है, और बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। तो मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम किसी भी इंडिया के बंदे से मिलें या किसी भी दूसरे बंदे से मिलें, तो हम अपने मुल्क के बारे में बुरा क्यों कहेंगे? और एक ऐसा बंदा जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, वो आपके मुल्क के ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा है कि जी हमने यहाँ से तुम्हारे पास तखरीबकार भेजे हैं। उनका मोदी, चाहे वो चाय की दुकान में झाड़ू लगाता था, चाहे वो इंतहा पसंद हिंदू है, चाहे वो फ्रॉड है, चाहे वो जो भी है, देखो, चाहे वो नवाज शरीफ की शादी में निजी हैसियत से शिरकत करता रहा, उसकी पोतियों, नवासियों, जो भी है, बात लेकिन ये फिर भी वो है, इंडिया के खिलाफ नहीं बोलेगा, मैंने ठीक है? पहले था भी हुआ। तो ये सच है या झूठ है, ये तो बाद की बात है। इसने एक इतनी बड़ी बात कह दी और मुसलसल उस वक्त से हर्जा सराई कर रहा है और जहर उगल रहा है। उस शख्स को अक्ल नहीं है? ये मैंने कौन उसी से वक्त क्या जिस्म कह कॉलेज में दिया पढ़ा है? था कि उसी वक्त किसी जेल में लेना चाहिए था, मुझे को बताया कि चलो इसने तो की ही उगास, फिर अखबार ने की छापा, अगर वो सियाक बता देते लोगों अच्छा एक को बात तो बताओ, ये ये भाग बाहर भी नहीं नहीं निकलती। जी, ये कहेंगे कि हमें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलना हाँ पड़ता है। अभी किस किस्म के आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि अल्ताफ़ हुसैन सारी ज़िंदगी से बाहर बैठा हुआ है, आप उसको पकड़ते नहीं हो, हाँ ठीक है? और घूमने भी दूसरी बात बंदा ये, पकड़ रहा है फिर। अच्छा जो बंदा दौलत लूट के लेके चला गया है, ठीक हाँ है, आप उसके ऊपर बहुत तरस खाना चाह रहे हैं, आप ऐसा करें कि उससे सारी दौलत ले लें जो उसने पाकिस्तान की दौलत ली है, और उसको पाकिस्तान के वेलफेयर पे लगा दें। ये नहीं कि एक से लेके दूसरे को दे दें, नहीं, उसको पाकिस्तान के वेलफेयर पे कहीं लगा दें, ठीक है? और उस बंदे को कहें कि तुमने पाकिस्तान नहीं आना, नहीं जेल में डालना, हमारे पास जेल में फालतू है कि हम जेल में उनको वीआईपी सहूलतें दें और रखें, और वो फिर बेचारे बन के, और जैसे जरदारी 11 साल के बाद आके सदर बन के बैठ जाए। तो इससे कहीं बेहतर है आप उनको कहें कि अब आप पाकिस्तान में ना आए, मेहरबानी करें आप और आपका खानदान, ऐसा तो करें कम अज कम। हाँ, लेकिन उनसे वो दौलत ले लें जो पाकिस्तान की है, वो उनका वो हक तो नहीं नहीं है, मिलेगी, नहीं तो फिर वो उनका हक नहीं है। मिल ही नहीं सकती, और उन्हें सिर्फ एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के सीन में उन्हें पकड़ा है, बाकी हालांकि जितने बेतहाशा प्रॉपर्टी पैसे है। थे हाँ, वो अभी अपार्टमेंट्स में भी घुसे नहीं दे रहे उन्हें, पाकिस्तानियों को जिनका है उनको घुसने नहीं दे रहे, हाँ वो बेचारे से इतने तो कह ठीक रहे थे, है, कहते हमारे तो पाकिस्तान उन्हें है। क्या खाक मिलेंगे जितने ऐसे पैसे लिए हुए? नहीं वो तो मार रहे हैं उनको, ये तो पूरी एक प्लानिंग है, नहीं वो तो वहां पूरा जाके खानदान आंटी आ गया देखो। आंटी मतलब कि कादे से हाथ हिला हिला के हरामजादे कह रही है, बहुत बुरी गालियां दे रही थी, वो और बेचारे वो देख के चली गई, वो अलग बात है कि शायद कैमरा देख के नहीं, चले एक गए तो हो। औरत बदजबान थी, हाँ, कितनी बुरी लग रही थी वो। अच्छे पीटीआई वाले भी नहीं है, लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए ना, मतलब कि उन लोगों को अच्छा, लोग पीटीआई वालों को कहते थे कि गाली देते हैं। वो देते हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो कोई जगह नहीं थी खाली अंदर जाने वैसे की। मैंने पीटीआई वालों की गालियां सुनी तो नहीं, मैंने लेकिन सुनी है, कहते देते हैं। मैंने गालियां भी सुनी है, मैंने उनका चिचोड़ बना भी देखा है, मैंने उनका खट्टा बना भी देखा है। कोई गाली तो किसी को आदमी भी नहीं देनी चाहिए। इनबॉक्स में आकर है सिर्फ पीटीआई के बलबूते पे है, वो दोस्ती करना चाहता हमसे, वो तो और वो वो पहले अच्छा, भी हुई बात थी, सुनो, आपको उसे क्या चिचोड़ पता, बना कहते हो हैं। सकता है वो किसी और का हो। इतनी फेक आईडीज हैं, लड़कियां लड़के बने हुए हैं, लड़के अगर उसे लड़कियां बने हुए नाम हैं। मिले, मुझे मसला ये है कि पीटीआई वाले ही हैं, ये समझ में नहीं जरूरी नहीं आया। है, मुझे तो लगता है कि उन्होंने फेक पेजेस बनाए हुए हैं।
असली पीटीआई वाले भी कौन से अच्छे होंगे मुझे बताओ, मेरे कोई की नहीं, किसी पे भी की नहीं। हाँ, बुरो, मैं बुरा जितने तो भी देखती हूँ यूट्यूब पर, मैंने यूट्यूबर्स काफी सब्सक्राइब बुरा किया तो कोई है, भी हो सकता है मुझे अच्छे इनकी से। वीडियोस पसंद है, मैं लाइक करती हूँ, सब कुछ है, लेकिन मुझे ये नहीं है कि इनके वो वैसे होंगे या नहीं होंगे। नहीं आप ठीक कह रहे हो, बुरा कोई भी हो सकता है फीलिंग मुझे इसका आती है कि मतलब। वो अच्छे होंगे, ठीक है, इट माइट बी पॉसिबल, अच्छा क्योंकि मैं अंदर उनपे ये थोड़ा है, एक बार कर ये लेती नहीं, हूँ, इस बार नहीं है मुझे मैं मुझे शायद इमरान खान की वजह से करती जिस हूँ। तरह फील होता है मैं उस तरह से अगले बंदे को ट्रीट करती हूँ, या फिर वो ट्रीट के जिस तरह करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, जिस तरह हाँ उसकी बातें हो, बातें ठीक होती हैं, मुझे लग रहा होता है कि बंदा साफ दिल होगा, हाँ लेकिन मुझे तब भी यकीन नहीं आता। एक्चुअली मैं बताऊँ, हमारे दिमाग ना, हम लोग कंजस्टेड माइंडेड हैं शायद, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग के दिमाग नहीं खुल रहे अभी तक, हालांकि इतनी तालीम, इतनी तरक्की, इतना कुछ हाँ दिखा रहे हैं, वो फिर सिर्फ टीवी में दिखा रहे होंगे, बाकी क्या बात होगा। सुनो, यानी अगर आप कोई मायूब बात नहीं कर रहे और दो इंसान बात करें, सब ओपनली कह रही हूँ मैं, मतलब ये नहीं कह रही कि किसी तहखाने में जाके नहीं कह रही हूँ, खुदा हाँ ना खास्ता, अगर ओपनली दो बंदे बात करें, बिल्कुल नॉर्मल इंसानों वाली बात करें, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है, ये ऐसी कौन सी बात है, मतलब इसमें ऐसी परेशानी वाली, क्या दो इंसान आपस में बात नहीं करते, क्या ऑफिसेज में हर जगह पे क्या औरतें और मर्द इकट्ठे काम नहीं कर रहे, बात ही करनी या छोड़ इन्हें दी अभी तक ये नहीं है, पता कि वो सिर्फ बात करना कोई बुरी मैंने बात बात ही नहीं। करना छोड़ दी है लोगों से, तुम हाँ ना, देखो वो हरकतें इतनी अजीब असली में हैं। भी और फेसबुक पे भी, तुम देख लो किसी का मैसेज भी आता है ना, मुझे लगे कि वो कहते कि प्रोफाइल चेक करके आया हूँ, हाँ मैं आगे से जवाब नहीं देती। अब वो अलग बात है, मेरे पास लो बंदा जो है वो जो तंग आके छोड़ के जाए और कहे कि मैं तो सिर्फ सोच रहा था कि बात करने को मिलेगी, ठीक है, वो ये भी हो सकता है कि वो अच्छा हो और वो तुम्हारे जैसा हो, है ना, मेरे जैसा कोई, हाँ हो भी सकता है, लेकिन मेरे पास को तुम्हारे ऐसा ना हो ना हो। और मैं सही यकीन कर लूँ, मैं भी हमेशा ये सोच रही होती थी कि कोई तो और होगा मैंने उस मेरे बंदे को कुछ जैसा, जवाब नहीं दिया। मुझे होता था कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे, और होंगे, कि मैं नहीं कह रही कि नहीं होंगे। होंगे बस फिर ऐसे मिलें कि हाँ मुझे नजर आए, मुझे, फेसबुक पे मैं बात नहीं होता मुझसे। अच्छा, मैं शायद ना, जब आप सही होते हैं या सच बोल रहे होते हैं तो शायद आप बहादुर भी ज्यादा होते हैं, है ना, हाँ शायद नहीं, यकीनन आप बहादुर भी ज्यादा होते हैं। हाँ अब वो अलग बात है कि जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं वो उसको भी गलत ही समझेंगे, जब नेगेटिविटी आपके दिमाग के अंदर हो ना, या आपके अपने अंदर हो, फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते, वो आपको खुद ही हाँ निकालनी पड़ेगी, वरना ये तो आप नहीं कर तुम सकते। नेगेटिविटी देखो, ये देखो इंग्लिश मुझे आती है लेकिन मैं बोलती नहीं क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बोलने में, क्यों? नहीं हूँ, अच्छा मैं जरा जब, सी बोलती रही मेरा दिमाग खराब होने चलता है, और जैसे मेरे साथ नहीं, मेरे साथ तो फिर भी कम है, मैं फिर भी कहीं कहीं बोल देती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन लोगों के साथ तो उससे भी ज़्यादा है, और टाँग को तंग कहीं जाने लगा था। अच्छा मुझे ऐसा होता है कि जैसे जिन लोगों को उर्दू आती है, जो लोग उर्दू बोलते हैं नॉर्मल रूटीन में, उनके साथ मैं कभी खुद से इंग्लिश नहीं बोलूंगी, वो बोलेंगे तो बोल लूंगी। अच्छा, लेकिन जैसे कोई फॉरेनर्स हैं जो भी हैं शुरू से बचपन से, जैसे इस्लाम में ज़रा ज़्यादा होते हैं, तो उनके साथ बोलते मैं कभी अनकंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि उनको आती ही वही है, हाँ मतलब एटलीस्ट ये कोई ओवर होना नहीं लगेगा, नहीं मैं ये बंद दिमाग वाले जो है सारे सीन जो मैं क्योंकि सोचती मुझे हूँ याद है मेरी एक तो आंटी ऐसे थी, मुझे ये इंग्लिश वाली भी बात याद आती नहीं है। मुझे वो नोनी की अम्मी, मुझे लगता है इंग्लिश में बात करना आसान है, बहुत सी बातें उतनी अजीब नहीं लग रही होती जितनी उर्दू में कुछ बातें बहुत अजीब लगती हैं। बातें ये नहीं लगती, मसला सिर्फ ये है कि इंग्लिश में लोगों ने कुछ अजीब से बना दिया ना। मुझे नहीं पता, मुझे याद है नोनी की अम्मी मुझे कहा करती थी, तो मैं अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, मेरे साथ क्यों नहीं बोलती, शायद इसलिए कि वो सारी जिंदगी इंग्लैंड में रहेंगी, उन्हें आसान लगता होगा। तो मैंने कहा इसलिए कि मुझे लगता है कि आपको जैसे उर्दू आती है या आप बोलते हुए मैंने आपको सुना है, तो इसलिए मुझे, तो फिर मैं बोलती थी, मैं उन्हें कहती थी ठीक है अगर आप उसमें कंफर्टेबल फील कर रही हैं तो उस तरह बोल लेते हैं, तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा मुझे तो सारी जबानें अच्छी लगती हैं, मुझे पश्तो बहुत मीठी खुद लगती है पसंद है बचपन से, देखो, और सिंधी बड़ी मीठी है, पर्शियन की तो क्या बात है, और तुमने अरबिक की देखो तो क्या लड़की, ही मैंने बात ऐप है। इंस्टॉल की थी तो मैंने हाँ उसे छू के मैंने देखा, हाँ वो लैंग्वेज सीखने की थी ऑनलाइन, मुझे छोटे देखो, छोटे 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 अब वर्ड्स मैं वो वर्ड्स। डिस्कस नहीं कर सकती जो हमारे जो हाँ है, पता है मैं जब मुझे, तक इस सारे सेटअप से नहीं निकलती मैं कुछ भी नहीं, मेरा अब दिमाग ना थक गया है, यानी आप किसी भी कोई भी तकलीफ जब बहुत ज़्यादा हाँ टाइम हो जाए तो वो आपको खुद ब खुद इरिटेट करने लगती है, अब ये मैं ना हर मेरे चीज़ से इरिटेट हो रही हूँ कुछ शायद, दिनों से जो है ये इस तरह हो रहा है, अब तुम भी वरना हो रही हो, अब ठीक हो पहले रहा है? मुझे नहीं, मैं उस तरह से नहीं हो रही, मुझे ये हो रहा है कि मैं वीडियो बनाऊँ या कुछ करूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई कैमरा कुछ भी नहीं है,
हाँ तो आपको पॉजिटिव वे आउट चाहिए होता है, बंदे बिल्कुल को चाहिए होता सांस है। आता है। कभी देख लो तुम्हें, मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है कि लाइफ में जाने से और क्या तुम्हारी तो भी नुकसान ये है। चीज़ कुछ नहीं है, मैं तो ये बहुत अरसे से ये हाँ चीज़ चूँकि इससे गुजार रही हूँ, और जस्ट वॉन्ट वे तो आउट मैं देखो, मैं मैंने इसलिए। वही ऐप डाउनलोड की थी, मैंने यूज़ भी किया उसे, हाँ ठीक है। मैंने टर्किश वाले चंद वर्ड सीखे, वो हम्म, मुझे याद भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन मैंने बस पीछे छोड़ दिया क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा। टर्किश मुझे सीधी पसंद है, जिनके ड्रामे देखने हैं उनके ड्रामे अच्छे, इसे तरह सीखने स्टार्ट की थी, लेकिन मैं कर नहीं रही उसे। मैंने कोई 1,000 के करीब, 2,000 हो चुके होंगे पक्का, वीडियो सेव की हुई है अलग अलग, ठीक है। उससे ज़्यादा सेव डाटा मेरे फेसबुक पर पड़े हुए हैं, ठीक है। जगह जगह चीज़ें सेव की जा रही, पढ़ नहीं रही। अभी तुम देख लो कि मेरा फ़ोन बंद हो गया था उस वक्त, तो मैंने सारी जो है आर्टिकल सेव कर लिए। मुझे वो पूरा डिटेल्ड है वही बनाना पड़ेगा, लंबा अच्छा खासी वो वीडियो होगी, वो बनाऊंगी पहले, फिर मेरे 2-3 दिन लगेंगे इस हिम्मत को बनाने में कि मैं वो वीडियो बनाऊँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग करूँ। दे ही नहीं जाता फोन पे, कौन करता है मेरे, तो मुसीबत बना के रखी। अच्छा, मुझे हमेशा बुक को बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, ये तुम्हें पता है इस बात का, वो तुम्हें भी अंदाज़ा है, तुम खुद भी पढ़ती हो तो वो अलग मज़ा होता है। आओ, मैंने तो नहीं पढ़ी, मैंने जो लिखा था जैसे बुक तुम्हें लवर, लैपटॉप का शौक आ रहा मैंने था, बुक लवर लिखा है, लेकिन मैंने बुक नहीं पढ़ी कोई, मतलब कि चंद पढ़ी पढ़ी तो है ना बेटे, वो जितना मौका मिल रहा है, और जब है। मुझे मिलेगा तो मैं फिर लेके जाऊंगी, आपको फिर ले आना आप। लेकिन ये कि जैसे आपको लैपटॉप का शौक है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास लैपटॉप भी हो, या जैसे मैं इवन इस टीवी पे भी लगा सकूं, तो मैं इस पे बुक पढ़ना पसंद नहीं करूंगी। बुक तो नहीं, वो जो मुझे बुक को पकड़ के पढ़ने का मजा होता है ना, वो अलग ही मजा होता है। लेकिन तुम्हारी बुक से तो वो मैं स्मेल इस इतनी मज़ा आती आइसोलेशन है। में हाँ नहीं पढ़ सकती। वो अब तो मेरा नहीं पढ़ कुछ जाती, करने को दिल नहीं जा रहा, मैं मतलब ना पढ़ने को ना लिखने को। मैं पोइट्री नहीं कह रही तेरे तुम्हारी मुझसे। वाली मैंने नहीं पढ़ी थी, वो कलेक्टर जो थी वो अच्छा, कहीं घूम गई है बीच में, मैंने छोड़ दी थी उस तक, घूमने की उधर रखी हुई है टेबल मुझे तो में, मज़े ही नहीं आई। है मैं उधर तो है। खा देना, मैं पढ़ लूंगी ना, आज मैंने उसे बीच में छोड़ दिया था, अच्छी ऐसी चल रही थी, फिर मैंने पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा। वो पढ़ी है फॉल्ट इन आवर स्टार्स, वही एक ही लेके आई थी, एक वो लेके आई थी द विम्पी किड, उसकी तो मैं सारी मूवीज भी देख चुकी हूँ मैं खास है। हाँ बुक मैंने नहीं सारी पढ़ी है। तुम तो हैरी पॉटर देख लो, मुझे हैरी हाँ पॉटर सीरीज पसंद है, हाँ मैंने उसकी आधी मूवीज भी देखी, ठीक है। जब हैरी पॉटर का बंदा फैन अपने आप को कहता है तो मोस्टली तुम देखो लोग पागल हुए होते हैं, स्पेल तक याद है, पता है हद हो गई है तो स्पेल, हद हो गई, हद है। वो सारी बुक्स मैंने पढ़ी नहीं अब तक माशाल्लाह से, और कितने साल पहले आई थी, 15 मेरे ख्याल से, कितने नौ कब आया था, अभी तो मैं जब मैं ये पैदा होने के आया था मेरे ख्याल से, कुछ ज़्यादा ज़्यादा अरसा हो गया है शायद, मेरे ख्याल थी पूरी शायद, पता नहीं तुम बताओगे। एक बात बताओ, अगर ये लोग कह रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं, तो ये जो इतने अरसे से इनकी गलतियां साबित हो रही थी जगह जगह, मसलन ये जो इंडिया का बयान था, वो ये क्या कसाब था, अजमल कसाब वाला या जो भी, ठीक है, या ये जो इनके घर मोदी वेयर आते हैं, या वो जो एक और पता नहीं अजीब जंदाल जंदाल, क्या मैंने क्या वो बाल सच आया था मान वो। लेती ये सच्चे हैं, अच्छा, फिर ये सब लेकिन इतना लंबा क्यों हो गया इन्होंने जी, ऐसी हरकतें की कि मैं मान नहीं सकती ये सही हो हाँ ना। यार, खुलेआम इतने वो बने मरे वो कसूर के बच्चे, और भी बहुत कुछ हुआ और है उस वक्त ये क्यों, 5 साल मॉडल टाउन में पे, नहीं तुम्हें याद? वो मुझे याद है, मैं उसको कुछ कर नहीं सकती। 5 साल इस आदमी ने पूरे करने थे उसने किए, अब उसे मजीद 5 साल चाहिए दोबारा ठीक करने के लिए हर चीज़। 5 साल तक तो उसकी हुकूमत रही है, इमरान खान की सिर्फ पिशावर में थी, अब पिशावर को जाके देखे बगैर कुछ नहीं कह सकती इसके मुझे बारे में। क्यों लग रहा है कि हम लोग सियासत के काबिल नहीं है, क्या मतलब मतलब जैसे सियासत के काबिल है, लेकिन सियासत सिर्फ तब हो सकती है जब पाकिस्तानी आपस में खुद ही करें, वो फिर ये ना हो कि चंद पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं को वोट डालना है, और डालना जरूर है, अगर नहीं डालोगे तो हमारा वोट जाया हो जाएगा, और जिनको वोट मिलेंगे क्योंकि लोग डालेंगे तो सही चंद, वो जिसके ज़्यादा वोट होंगे उसे मिल जाएगा, फिर है ना। तुम्हारा दिल चाहे ना जाए तो।
स्वेटर के बंदा खुद ही साथ साथ चल ले आपस में, ऐसे खेल ही मजा है। मुझे लगता है ज्यादा आसान होगा हाँ शायद अगर एक ही कोई रूलिंग पार्टी जो है पूरे जहान में 5 साल तक हाँ ना हो, अगर लोगों से कुछ बनाया नहीं गया सिवाय सड़कों के, उन्होंने कुछ नहीं बनाया, और वो ऑरेंज ट्रेन भी बह ही जा रही थी जब वो बारिश हुई थी। कसम अच्छा कुछ ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसा कुछ हो जाए कि से जो मजाक था। सबसे हंसी ड्रामे ट्विटर खत्म पे हो मैं जाए। फौरन ये खबर सुनने का ट्विटर पे गई थी मैं। सोचो ना कुछ ऐसा हो जाए कि सारे मिसाइल उड़ जाएं, जितने लोगों के लालच हैं वो घूम जाएं, जितना लोगों का जहर है नफरत है वो सब खत्म हो जाए। कुछ ऐसा स्पेल कोई कर मजा नहीं सके जो आएगा, आए मजा आएगा मुझे नहीं कुछ दिन के आएगा। लिए, तो दुनिया जन्नत बन जाए। मैं थक गई हूँ मुझे इतनी सियासत एक पसंद ट्विटर बड़ी है ऐसे, डालना। हाँ मुझे जुल्म पसंद नहीं है इनका, लेकिन मुझे सियासत बड़ी पसंद है। ये देखो वक्त देखो, पाकिस्तान टेलीविजन जो बोलता ही सिर्फ नून लीग वालों के हक में था, वो कह रहे हैं कि हम तो तकरीरें नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत नफरत फैला रहे हैं। हाँ अच्छा सिर्फ अब इस तरह नफरत नहीं, अब सिर्फ इस तरह नफरत नहीं फैला रहे। अभी मेरे सुनो औरंगजेब का हो जाए वो आया हुआ था, आ रहा था वो लेंस लगा के आई हुई थी, अब तो क्या हो गया उसको। हाँ ना चलो खैर हमें क्या, ये तो उसका जाती मसला है, ये तो उसकी पर्सनल चॉइस है, ये बात नहीं है। बात क्या है कि मैं अभी जिस बात कर रही हूँ नफरत अंगेज तकरीर की बात कर रही हूँ, पिछले दिनों एक पोस्ट आ रही थी कि वहाँ पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इनके एनफील्ड इवन फील्स है कि एवन फील्स एवन है, फील्ड है मेरे ख्याल से एवन फील्स है। ओके वो, बताओ। देखो ना AVE और फील्ड आगे, और अच्छा मैंने इस पे पढ़ा है तो इस पे तो उर्दू में एन भी लिखते ना। हैं, उर्दू हाँ में। एवन फील्ड है वो, लिखा अच्छा हुआ था उन्होंने सामने। ओके, वो जो उनके एवन फील्ड्स अपार्टमेंट्स हैं उसके बाहर जो लोग मुजाहरा कर रहे थे उनसे इनका कोई बंदा ही होगा जो, क्योंकि इनकी तरफ से खड़ा बोल रहा हाँ था, वो उसको कहता है तुम्हारी वर्थ क्या है तुम बताओ, वो बंदे से कहता है, यानी जिनके टैक्स के पैसों के पर हाँ तुम्हारे पूरे वजीर तनख्वाह लेते हाँ हैं, तुम ये बताओ तुम्हारे वजीर तनख्वाह कहाँ से लेते हैं, तुम्हारे ही नाने दादों की जो जायदादें हैं उससे तनख्वाह लेते हो तुम सारे। इनमें से कौन ऐसा है सियासतदानों में से जो अपनी पे छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता। कोई भी नहीं। असेंबली में आने के लिए तुम एक दूसरे के गिरबान फाड़ रहे होते हो, मुझे सिर्फ इतना से बताओ क्यों आ रहे होते हो, क्यों तुम्हें इतना खिदमत का शौक आ रहा है। इतना खिदमत का शौक आ रहा है तो अपनी दौलत में से कुछ हिस्से पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए मुख्तस करो और आराम से बैठ के दुआ मांगो तुम पाकिस्तान तो के लोगों को लिए। मरवाना चाह रही हो औरत। नहीं मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना, मर नहीं मर के आ नहीं रहे हैं। अच्छा पलट पलट के आ रहे हैं, वो बंदा कहता है तुम्हारी वर्थ क्या है, उसकी जुर्रत वो एक पाकिस्तानी से पूछ रहा है तुम्हारी वर्थ नहीं क्या है। वो कहेगा मैं भी तो पाकिस्तानी हमारी हूँ। वर्थ ये है कि जो हम फेंकते हैं वो तुम उठा के अपने घर में डाल लेते हो, और जो हम नहीं भी फेंकते अपने लिए कमाते हैं वो तुम छीन के अपने घरों में डाल लेते हो, और तुम अपनी 50-50 पुश्तों के लिए हमारे पूरे पाकिस्तानियों अपने के लोगों को खून फांसी पे भी पसीने। चढ़ाते हो। वो जो एक आम सा किसान है जो सारा दिन एक अजीब से कपड़े पहन के और यहाँ तक टंगा के अपने कपड़े खेतों में काम करता है, तुम उसके भी खून पसीने को निचोड़ के खा रहे हो। तो जो मैंने वडेरों का कल्चर पढ़ा था तुम तो उनसे भी गए गुजरे होगे, वडेरे अपने हारियों का खून चूसते थे, तुम वडेरों का भी और वडेरों के हारियों का भी खून चूसते हो ठीक है। अच्छा वो कहते हैं तुम्हारी वर्थ क्या है, आगे से उसने कहा मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, और तो ना वो इमरान खान को बुरा कहना शुरू हो गया। ये बताओ उसमें इमरान खान कहाँ से आया। अच्छा सुनो सुनो, कहते हैं इमरान खान को बुरा भला कहा, उस बंदे ने कहा इमरान खान को 5 जजेस ने कहा है कि वो सादिक और अमीन है। कहता है वो जजेस ने इसलिए कहा है कि हमने उनको मनी ट्रेल नहीं दिया था, इसलिए जजेस ने कहा है। यानी ये कह रहे हैं कि ये नफरत अंगेज तकरीर कर रहे हैं, ये जजेस के ऊपर उस बंदे की क्या जरूरत कि जब तक उसका जो उसका लीडर है इनका। अब तो ये मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, लीडर क्या सबसे होगा पहले उसे। हाँ मैं ये जो गलत फहमी है ना लोगों की वो नहीं समझ पा रही, हाँ कायद अजम तो लीडर है वो समझ आती है, उसके लिए मेरे पास 1001 पॉइंट्स पता है। हैं जो मैं हाँ साबित कर सकती हूँ। लेकिन सियासतदान लीडर नहीं होता, सियासतदान लीडर लीडर नहीं नहीं मानते मिलता। मैं क्या कर हाँ सकती ऐसा हूँ। जरूर हो सकता है कि कोई लीडर सियासत में आ जाए जो लीड करता रहा और वो सियासत में आ जाए, तो वो लीडर भी होगा प्लस सियासतदान भी होगा, लेकिन नवाज शरीफ लीडर नहीं है हमारा ठीक है। नून लीग जो उसके पैसे खाते रहे होंगे वो जरूर कहते होंगे उसको लीडर ना कहें, ना उसकी औलादों को कहें, ना उसकी औलादों को औलादों को कहें। ये जो बादशाहत का निजाम चाह रहे हैं ना ये यहाँ पे नहीं चल सकता। या तो आप सीधी सीधी बात करें कि जमहूरियत, या आप सीधी सीधी बात करें कि आप बादशाहत कायम करना चाह रहे हैं, आप वही बादशाहत कायम करना चाह रहे हैं ठीक है, और वो नजर आ रहा है सबको, और यही मुसलसल इमरान खान चीख रहा था, मुझे इसकी बात समझ आती थी। तो बात इतनी सी है, अगर कोई पॉलिटिक्स को पढ़े तो उसको पता चलेगा कि क्या पॉलिटिक्स क्या है ठीक है।
वो सिर्फ इंतजाम संभालने के लिए, इंतजामी अमूर संभालने के लिए लोगों को चुना जाता था। अच्छा जी ये ज्यादा समझदार है, थोड़ा ये वाला काम कर लेगा, ये थोड़ा ज्यादा समझदार है, ये वाला काम कर लेगा। उन्होंने सारी समझदारी सिर्फ अपने खानदान की वेलफेयर के लिए रख ली, अंधा बांटे रेवड़ियां और अपनों अपनों को दे, ठीक है वो जो है। और फिर आप उनको लीडर जबरदस्ती करना चाह रहे हैं, फिर आप उनको कायदे आजम के बराबर लाना चाह रहे हैं। कायदे आजम के उतारे हुए कपड़े पहनने के काबिल भी ये लोग नहीं है, इसलिए कि मतलब ये इस काबिल भी नहीं है। इन्होंने उनकी वो कायदे आजम रेजिडेंसी थी ना वहां पे क्वेटा में, उसको जलवा दिया ही नहीं, जालसी की इंतहा है। अपनी तस्वीरें इनका बस नहीं चलता है, कायदे आजम की तस्वीरें हटा के अपनी तस्वीरें लगा दें, इनका बस नहीं चलता है। कोर्स में से उनके मैंने पिछले दिनों कहीं पढ़ा कि कायदे आजम का जमाना बहुत पुराना हो चुका है, अब नए लीडर्स की, नया लीडर नहीं है हमारे पास, माफ करना, एक ना लीडर ही नहीं है। कायदे आजम से पीछे तक आपको बहुत दूर तक कोई लीडर नजर नहीं आएगा, और अब तक कोई लीडर नहीं है। और ये जितने मुगल बादशाह थे, मैं तुम्हें उस वक्त भी बता रही थी कि वहां पे भी हुआ था, ये जो जितने भी मीर सादिक, मीर जाफर फाले, जितने फजूल फजूल से जो लोग हैं, वो ये कहते थे कि वो अपना थोड़ा सा फायदा देखने के लिए कहते थे, हमें ये फायदा दे दो, वो बाकी पूरे लोगों को दांव पे लगा देते थे, इतनी कत्लो हारत करी और सब, आखिर में उनका भी कुछ नहीं बचता था। लेकिन वो पता नहीं कितने लोगों को मरवा देते थे। और मैंने ये पढ़ा था कि आखिरी जमाने में ऐसा होगा, हदीसे पाक शायद ये है, मुझे पूरे उसके साथ याद नहीं है तो, लेकिन मैंने पढ़ा है ये कि लोग ऐसे मरेंगे कि जो मारने वाला होगा उसको पता नहीं होगा कि मैं इसको क्यों मार रहा हूँ, जो मर रहे हैं, और जो मर रहा होगा उसको भी नहीं पता होगा कि मैं क्यों मर रहा हूँ। और वो जहन्नुम में जाएंगे दोनों, यानी मरने वाला भी जाएगा और मारने वाला भी जाएगा, अल्लाह की पनाह। क्या मतलब? ये इसकी एक लंबी डिटेल है जो मैं तुम्हें बाद बताऊं, फिर तुम कह दो कि तुम मजहब में जा रही हो। बहरहाल वो ये था कि जो मरने वाला होगा उसे नहीं पता होगा मुझे क्यों मारा जा रहा है, जो मारने वाला होगा उसे नहीं पता होगा मैं क्यों जहन्नुम में जाएंगे। ये जो अभी जो सारी फजूल हरकतें हो रही है, जो खुदकुश बम्बार है और जो सारा कुछ कर रहे हैं, वो कहते हैं, मैंने जो जगह जगह पढ़ा है, और ये हो सकता है ऐसा हो कि छोटे छोटे बच्चों को लेके उनका ब्रेन वॉश एक तरह से कर देते हैं, मतलब वो उसमें ये चीज जरूर आती होगी कि आप जैसे जितने भी शिद्दत पसंद सियासी पार्टीज हैं या मजहबी पार्टीज हैं, वो क्या करते हैं, आपका ब्रेन वॉश ही करते हैं ना, वो आपको सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ते। मुझे आर्मी बहुत अच्छी लगती है, मुझे पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत है, ठीक है, लेकिन मुझे आर्मी की सबसे बड़ी बात जो बुरी लगती है वो ये कि वो आप में सोचने समझने कुव्वत फैसला एक तो नहीं छोड़ते, ठीक है, दूसरे आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं छोड़ते। वो कह देंगे नहीं जी हमारे ऑफिसर्स तो खुला मौके पर बहुत अच्छा फैसला करते हैं, हाँ मैंने मान लिया, लेकिन आप उनकी ईगो को इतना हर्ट करते हैं उन्हें ट्रेन करने के लिए, आप रोबोट्स बनाते हैं उनको, वो रोबोट्स नहीं है। उन्हें भी कहीं ना कहीं इस्लाम ने कहीं किसी को रोबोट नहीं बनाया, ठीक है, आप उन्हें कहीं इख्तलाफ का मौका तो दें। फिर वो कहेंगे कि जी हम डिसिप्लिन कायम नहीं रख सकेंगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप डिसिप्लिन मोहब्बत से भी कायम रख सकते हैं, मेरे आका करीम ने डिसिप्लिन कायम रखा है, उनसे ज्यादा किसी की फौज, किसी की जमात, कोई चीज ऐसी थी जो डिसिप्लिन ना हो, आप बिल्कुल हम उन जैसा नहीं कर सकते, कॉपी करने की तो कोशिश कर सकते हैं, बहुत सी चीजें मोहब्बत से भी जीती जा सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आप नफरत फैलाएं, नफरत ऑलरेडी बहुत है, नफरत पॉल्यूशन है, मोहब्बत खुशबू है और नफरत पॉल्यूशन है, उसको आप बदबू से ले लें, उसको आप धुएं बदबूदार धुएं से ले लें, उसको आप किसी भी तरह जो भी, मतलब जब मैं कह रही हूं कि वो पॉल्यूशन है, ठीक है, हाँ इतना जरूर हो सकता है कि हम जुल्म से नफरत कर लें, है ना, तो जुल्म करना छोड़ दें, दूसरों को रोकें, हाथ से रोकें, जबान से रोकें। ये जो मैं बोलती हूँ, मैं मुझे पता है मैं शायद कोई डिफरेंस नहीं पैदा कर पा रही, लेकिन एटलीस्ट मैं बोल तो रही हूँ, हो सकता है शायद को बुरा तो कह रही हूँ, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि अगर कोई कुछ भी गलत हो तो आप उसे हाथ से रोकें, जबान से रोकें, या दिल से बुरा जाने, और ये सबसे आखिरी ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है कि आप दिल से बुरा जाने। तो एटलीस्ट जिस चीज को आप बुरा समझते हैं उससे आप खुद, मतलब अगर आप ये समझते हैं कि किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए तो आप खुद जुल्म करने से रोकते हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है, आप खुद किसी दूसरे को बोल के तो बता सकते हैं ना, अगर आप उसे हाथ से नहीं रोक सकते, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत अजीब है। अच्छा जब भी हम बात करते हैं जरूर ये कोई ना कोई मैं खबर पढ़ लेती हूँ, कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स आ जाए, खबर पढ़ने की कोशिश जरूर करो, पॉलिटिक्स कड़वी है। हम जब कड़वी बात करेंगे तो हर टॉपिक जो है जो पिछले कई सालों से है, हाँ, नवाज शरीफ जरूर आएगा, पॉलिटिक्स इमरान खान भी है, लेकिन
موسٹلی جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ ہاٹ ٹاپک ہے. ٹرینڈنگ پہ جہاں میں جا رہی ہوں ٹویٹر پہ کہیں بھی جاؤں میں کہیں بھی ہر وقت سیاست کی پوسٹ میں خود بھی لگاتی ہوں لیکن لوگ تو اس بات کو کبھی لمبا ہی کھینچ لیتے ہیں نا. ہاں ٹویٹر اگر مجھے لگتا ہے تو وہ فیس بک کی طرح تھا اور فیس بک سے تھوڑا سا بہتر تھا. اچھا چند ورڈس کا ہے لیکن آپ اس پہ یہ کر سکتے ہیں نا کہ ایک ٹویٹ کر دی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور ٹویٹ کر دو آپ اسی سے ہو جائے وہ لنک جو لنکڈ وہ اس سے آسان ہوتا ہے لیکن وہ اچھی تھی. ایکسپیکٹ کیا ہوں میں اسے فیس بک پہ جیسے تم نے کہا تھا کہ اپنی باتیں کرنے کے لیے وہی جو تم کہہ رہی تھی کون سا پارک ہائٹ پارک ہائٹ پارک تو ویسے ہی ہے. اچھا وہ واقعی ایسا ہے یعنی اور وہ ٹویٹر زیادہ اچھا ہے اور وہ کتنے مزے کا جب مجھے اس کا پتہ چلا نا بچپن میں تو مجھے بڑا مزے کا لگا یعنی مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ اپنی بات کر سکتے ہیں اور اچھا جس کا دل چاہے وہ آپ کی بات کھڑے ہو کے سن لیں آپ کے ارد گرد کیونکہ وہ پارک ہے اور جس کا نہیں دل چاہتا وہ آپ کی بات نہ سن لے کسی دوسرے کی سن لے کوئی اور بھی بول رہا ہوگا. تم ٹویٹر پہ کیوں نہیں رہتا ہوں مجھے ٹویٹر کا اکاؤنٹ ٹائم وہاں ملتا ہے سارا دن بس دو لوگوں کو فالو کری ہو ایک میں نے اپنے آپ کو فالو کروا لیا تھا ایک عمران ایک بار بتاؤں مجھے ہاں مجھے ٹائم کہاں ملتا ہے سارا دن مجھے کام ہوتا ہے سو ٹوٹل کام جو وہ کال آپ کے آپ کرتی ہیں جو تم یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتی ہیں لڑکی جائے یوٹیوبر وہ میں کب دیکھتی ہوں وہ میں جب بالکل کام سے فارغ ہوتی ہوں اور بہت تھک گئی ہوتی ہوں جس تک میں کچھ نہیں کہہ سکتی وہ میں پاگل بن لگا ٹویٹر نیوز ہے نہیں اس میں ساری بڑے مزے کی بھی چیز ہوتی ہے بڑی عجیب عجیب بھی چیز ہوتی ہے. ہاں نا سچی بڑے مزے مزے کی چیز میں نے اسنیک دیکھے اتنے بڑے بڑے 30-30 اس کے میٹر کے تھے کہ فیٹ کے تھے تو بھول گئی ویسی ویڈیوز لیکن تھوڑی اچھی کوالٹی اور وہ اور زیادہ ڈیٹیلڈ اور سچ باتیں اور گوسٹ تھے بھی دیکھے گوسٹ دیکھے میں یہی اصل کے گوسٹ کہ وہی ویڈیو اور نا لیکن تھوڑی بہتر اینجل بھی دیکھے جس اور اس میں جو مجھے فیک لگ رہے تھے اور مرمیڈز بھی دیکھی اور اس میں سے تو مجھے دو بالکل فیک نہیں لگ رہی تھی اور نا اگر وہ فیک بھی ہے تبھی مزے کا تھا اور نے مزے مزے کی جگہ دیکھی اور پتہ نہیں کیا یار اچھا دیکھا. ہاں میں نے وہ بھی دیکھا کہ اگر آپ کے گھر سبزی نہ ہو تو آپ کیا بنائیں وہ دیکھ کے میں بور ہو گئی آخر میں مجھے یہ لگا کہ یہ کیا بکواس ہے یہ تو کوئی نہیں کھائے گا کیا ہے دیکھا. اچھا اللہ کرے کوئی ویڈیو بنا رہا تھا میری دماغ کی ایسی اچھی اچھی بتانے میں نے کہیں نہیں